मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सबसे आसान वाला हैदराबादी रेसिपी फ्रेंड्स ये बनाना बहुत ही आसान है और बनाना जितना आसान है खाने में ऐसे ही टेस्टी है फ्रेंड्स अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को फुल वॉच करिए फ्रेंड्स स्किप बिल्कुल भी ना करें एकदम टेक्सचर भी परफेक्ट बनेगा और एकदम ग्रेवी दर हमारा हैदराबादी पनीर बनके पन तैयार होने वाला फ्रेंड्स तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स तो पहले मैंने देखिए गैस पे एक पैन रखा है और थोड़ा सा देखिए मैंने बटर लिया है और थोड़ा सा बटर को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे हल्का इस तरीके से तो देखिए और इसमें ना पनीर फ्राई करेंगे तो ये देखिए मैंने पनीर लिया 200 ग्राम तो पनीर को इस तरीके से मैंने बड़ा बड़ा पीसेस में कट करके लिया है फ्रेंड्स तो देखिए और बटर का साथ ना पनीर को फ्राई करेंगे आप ना घी बा ऑयल भी ले सकते हैं तो ये देखिए और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करके रेडी करेंगे तो ये देखिए और पूरा तरीका से ना बटर को नहीं चलाएंगे इस तरीके से हल्का जैसे मेल्ट हो जाएगी ना उसका साथ पनीर को उलट पलट करके फ्राई करेंगे तो ये अपना आप मेल्ट हो जाएगी तो देखिए और बहुत ही आसान है ये बनाना और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगी बटर से इस तरीके से फ्राई करने से तो ये देखिए फ्राई हो चुका है बस एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे तो तो सेम पैन लिया और देखिए सेम पैन में और इसमें करेंगे प्याज देखिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज को इस तरीके से चप कर के लिया तीन हरी वाली मिर्ची लिया और आधा इंच अदरक बस तीन से चार मैंने लहसुन लिया तो बस अच्छा से ना इस तरीके से चलाते जाइए और गैस का फ्लेम मीडियम रख के भुनाई करेंगे हल्का उसको सॉफ्ट करना है ज्यादा भी नहीं तो ये देखिए इस तरीके से मैंने भुनाई कर दिया और अभी ना गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो ये देखिए मैंने एक लिया मिक्सी जार और जैसे ठंडा हो जाएगी ना तो मिक्सी जार में सारा मसाला को ट्रांसफर कर देंगे तो ये देखिए और बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है कोई झंझट नहीं है तो देखिए सारा मसाला को मैंने डाल दिया प्याज लहसुन अदरक जो भुनाई किया हुआ डालने के बाद इसमें डालेंगे कुछ पुदीना का पत्ता और धनिया आ, कुछ हरा धनिया लिया तो ये देखिए और इससे क्या आता है ना पूरा ग्रीन ग्रीन हमारा ग्रेवी बन के तैयार होने वाला है तो ये देखिए थोड़ा सा हमने पानी डाला ज्यादा पानी नहीं डालेंगे और उसको ना पीस के तैयार करेंगे तो ये देखिए पीस के तैयार कर दिया तो चलिए गैस का तरफ तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है और सेम पैन लिया और ये देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया आप ना घी से व बटर से बना सकते तो मैंने रिफाइंड ऑयल ऑयल लिया उयल जैसे गर्म हो जाएगी एक छोटा टुकड़ा मैंने डाला ये देखिए दालचीनी और दो हरी इलायची दो लौंग लिया और एक ना बड़ा वाला इलायची और कुछ भी मैंने खड़ा मसाला एड नहीं किया है उतना ही खड़ा मसाला डाला है और गैस का फ्लेम लो रख के ना इसमें पेस्ट डाल देंगे तो देखिए ग्रीन जो मसाला पेस्ट मैंने डाल दिया बस और एकदम गैस का फ्लेम लो रख के भुनाई करेंगे और नहीं तो छिटा आ सकता है और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो ज़्यादा छिटा आएगा बाहर तक तो देखिए और इस तरीके से गाढ़ा पीस के तैयार करेंगे ना पेस्ट को तो ज़्यादा छिटा नहीं आएगी तो हल्का सा पानी डालेंगे जार में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और ये देखिए जार को धो के वही पानी इसमें डाल दिया पैन में बस और कुछ समय के लिए भुनाई करेंगे तो जैसे ये जितना इसका पानी है ना मश्चर है तो पानी सूख जाएगी और तेल ये देखिए तेल छोड़ने लग जाएगा तो ये देखिए तेल भी छोड़ने लग गया तो इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और काश्मीर वाला रेड चिली पाउडर मैंने आधा चम्मच लिया आप ना स्किप भी कर सकते तो मैंने काश्मीर वाला रेड चिली पाउडर थोड़ा डाल दिया बस और मसाला को अच्छा से इस तरीके से मिक्स करेंगे एक से दो मिनट तक और एकदम गैस का फ्लेम ना लो रखेंगे फ्रेंड्स तो ये याद रखना हाई फ्लेम में मसाला को बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे और बहुत ही ग्रेवी दर हमारा मसाला बनके तैयार होने वाला तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल ला रखा है और ये देखिए घर का फ्रेश मैंने मलाई लिया तो ये देखिए अपना फ्रेश मलाई भी मार्केट वाला डाल डाल सकते हैं इसमें लेकिन मेरा पास ना एक दो दिन का मलाई था तो वही मैंने मलाई यूज किया और आप ना इसमें दही भी ऐड कर सकते फ्रेश दही है तो आप इसमें आधा कप डाल सकते हो तो ये देखिए मैंने बिना दही में ये सब्जी बना के तैयार करूँगी और बहुत ही टेस्टी बनता है बिना दही में भी हमारा ये रेसिपी कंप्लीट हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो ये देखिए मैंने स्वाद अनुजाई नमक डाल दिया और अच्छा से ना मिक्स करेंगे और ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स मैंने डाल दिया कुछ कस्तुरी मेथी हाँ फ्रेंड्स कस्तुरी मेथी है तो जरूर ऐड करिए और अपना आप आपका पास टाइम है तो कस्तुरी मेथी को हल्का रोस्ट करके इसमें डालने से और भी फ्लेवर आएगी तो ये देखिए अच्छा से मसाला भुनाई हो चुका है तेल भी रिलीज होने लग गया तो अभी क्या करेंगे ना फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे बस अच्छा से मिक्स करेंगे तीस से चालीस सेकेंड के लिए तो ये देखिए और अभी भी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल ल रखा है और इस तरीका से भुनाई करेंगे कुछ समय के लिए और उसके बाद ना इसमें पानी डालेंगे तो ये देखिए वही कटोरी से मैंने आधा कटोरी पानी लिया और आप ना एक कटोरी पानी भी डाल सकते लेकिन ना आधा कटोरी पानी में ये आ, मेरा रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी अच्छा से कुक भी हो जाएगी पनीर मतलब तो सॉफ्ट हो जाएगी आधा कटोरी में काफ़ी अच्छा बनेगा तो ये देखिए छोड़ देंगे तीन से पांच मिनट के लिए और पांच मिनट बाद ये देखिए लीड खोल के मैंने देखा तो इसमें ना मैंने भूल गई थी काली मिर्ची पाउडर डालने के लिए आप ना जब मसाला पाउडर डाला ना उसी टाइम आप काली मिर्ची का पाउडर जरूर ऐड करिए तो मैंने भूल गई थी तो इसलिए मैंने अभी डाला है फिर भी बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स तो देखिए मैंने फिर से अच्छा से मिक्स कर दिया और उसके बाद ना इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला तो ये देखिए मैंने होममेड वाला गरम मसाला ऐड किया है ये घर में ही मैंने बना कर तैयार किया था तो इसलिए थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया तो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है घर में बनता है तो, तो ये देखिए और हमारा रेसिपी कंप्लीट हो चुका है तो धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया तो ये इस तरीके से बस और दो मिनट के लिए छोड़ देंगे गैस का फ्लेम ऑफ करके तो ये देखिए दो मिनट बाद उसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा उसका ग्रेवी भी देखिए तो बस इस तरीका से आप भी बना के एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही आसान रेसिपी है ना फ्रेंड्स कितना आसान तो ये ले जाए फ्रेंड्स हमारा हैदराबादी पनीर बा पनीर हैदराबादी रेसिपी कंप्लीट हो चुका है तो है ना फ्रेंड्स कितना आसान तो आप लोगों को कैसे लगा मेरा रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएगा फ्रेंड्स और एक बार इस तरीके से ट्राई करके आप एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ चावल के साथ पूरी के साथ किसी के साथ भी खा सकते बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो आज के लिए टाटा फ्रेंड्स जय जगन्नाथ टेक केयर फ्रेंड्स बाय